उन्होंने क्या करे 40 लाख में आर्मी ऑफिसर का बोले तो दे दिया। हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 40 लाख का देता हूँ, मगर ट्रांसपोर्टेशन आप लेना। फिर आ गया उनका जाल में फसरा, 40 लाख ही कम है, वो 8,000 है। गैस बजा के आपको 200 बोलता है हर किसी का इंडिपेंडेंट। इसमें क्या बात, जो कंपनी आ रहे हैं उन लोगों ने इनपे कर चुके हैं, उसमें गलत नहीं होती, बिल्कुल सर, बिल्कुल फेस टू फेस होती है कि किसी को भी एक पैसा देने का जरूरत नहीं होती। आप चाहे करिए ना चाहे तो बस यहाँ वक्त गुजारने वास्ते व्यू करते उन्होंने स्क्रीन शॉट्स लेते पैसा 20 लाख के वास्ते 10 लाख तक भेजे सौ लोग और वो एल एक्स का बता रहा हूँ आर्मी ऑफिसर का वो बुलेट भेज रहा है सस्ता में 40,000 रुपया। मैं इसमें है क्या शर्मिंदा से नहीं तो अपने पागलपन दूसरे लोगों को माल होते पागलपन है दूसरे को माल होते क्या बोलते हैं अपन नहीं तो आगे वाले के सामने मैं पागल हो कहीं तो समझाने के वास्ते आप नहीं बताते, अगर उस वास्ते आप आगे आके आप लोग समझाओ वैसा अपने मेहनत को आप भरोसा करो। टुकड़ में आ रहे बोलते कुछ भी नहीं और जो देखता है उसको यकीनत करो। 2 दिन में आता जो आपका पैसा मेरे मिले ही नहीं है फिर कैसा और एक बार डालो 8,000 अगर दोबारा है तो मैं बेचता हूँ फिर एक 8,000 डाला फिर डाले अरे 8,000 ये भी नहीं आए 16,000 ऐसा ऐसा 40,000 को उन्होंने 60,000 भेजे है अपने मोहल्ले में गाड़ी नहीं आए कुछ नहीं आए 40,000 गाड़ी खरीदने के वास्ते 60,000 रुपया उन्होंने खो गया। ये लॉटरी नहीं है वैसा चीज नहीं है, बहुत लोगों दिमाग सड़ा हुआ लोग हैं ये व्हाट्सएप में अपन उसके जाल में फंस गया अपन ने सड़ गया। अभी ये भाई साहब बोले हैं ये गलत यही बोल रहा हूँ न्यू डे हम नहीं बता सकते थे मगर इन्होंने बता दिया और तो फोन करके हाँ अपना पूरा मेहनत करके उन्होंने 2 मिनट में खत्म करता। उन्होंने बोलता अरे तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जा रहे तुम्हारा थोड़ा अपडेट करना है तुम्हारा वो बोलो ये बोलो बोलता 2 मिनट में आपका पूरा डिटेल्स ले लेता पूरा जितना पैसा उतना खा लेता हूँ समझ गया। एक ही है कोई भी फोन करे समझो बैंक का अकाउंट के बारे में सोचना आप चोरी छे किसी को देना भी नहीं आपको जो भी जरूरत है आपको जो भी डाउट आया नजदीक जो भी बैंक है ना बैंक में जाके ये क्या है वो क्या बोल के पूछना समझ गया। किसी को भी कोई अननोन आदमी अनजान आदमी को फोन पे तुम्हारा बैंक के बारे में नहीं तो तुम्हारा जो पर्सनल भी रहता ना तुम्हारा नाम क्या है सन ऑफ क्या है पूरा ये भी नहीं बोलना समझ गया। आजकल क्या है कोई भी इससे पहले के जैसा रात में आके घर फोड़ के चोरी नहीं कर रहे खाली उनका जगह पे रहता आपको थोड़ा जो वो करता समझ गया। ये देख लेना क्यों बोलते यही अपना पारदीवाड़े से कम 5-6 पिटीशन है समझ गया। किसी को भी रहता ना फोन से कोई भी उन्होंने करके ये लिंक ओपन करो बोलता जरूरत नहीं क्या जरूरत है अपने अपना काम अपने को है वो बोलता ये ब्लू कलर लिंक ओपन करो ये डालो वो डालो समझ गया। अब इनको बीवी क्यों बोले समझो अब क्या कर रहे हैं क्या है कौन है ये बोल के जब ब्लैकमेल शुरू करके लाखों रुपए खींचो से अगर ये जाल में रिच आदमी पकड़ गया उन्होंने देखता अपन 10,000 बोले कितना देर में आया जट आ गए वो इनके पास पैसा है और किससे रहते स्वास्थ्य समझिए ऐसा मैसेज है इसको बिलीव मत करिए अगर कुछ करना है कुछ जाओ सीखो तो देखो अगर सही है टीवी रिपेयर करने के वास्ते अपने हर आदमी कहीं जाता नहीं है मगर वेबसाइट में जाए सैमसंग वेबसाइट में गए तो टीवी रिपेयरर बोलते ढूंढो मत बहुत लोग आते सैमसंग में जाना सैमसंग में सर्विस नंबर रहता वो लेना कस्टमर केयर का सिर्फ सैमसंग कस्टमर केयर वो तो अलग आता मगर वैसा नहीं लेना उसमें थोड़ा गलत रहता उन लोगों का रजिस्ट्रेशन में सैमसंग कस्टमर केयर का थोड़ा गलत रख के अपने मालूम नहीं वही देखते सैमसंग कस्टमर केयर नंबर मिलाते ओके हमारा आदमी आ रहा 2 घंटे में आता 3 घंटे में आता चलो 500 रुपया डालो 200 डालो नहीं आया बोलता फिर कभी कभी ऐसा ओटीपी दे बोलते अपना ओटीपी दिया
पैसे गया, अकाउंट खाली होया। अभी भी ओटीपी किसी को भी नहीं देना, कौन सी ईमेल में कोई नहीं पूछता। एटीएम कार्ड रहता ना, एटीएम कार्ड का नंबर, आधार नंबर, पीछे जो नंबर रहता ना वो नंबर, बैंक का जो भी, बैंक से फोन करके कोई भी नहीं पूछता। कोई भी बैंक वाला, कोई भी बैंक वाला तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, एटीएम कार्ड का नंबर क्या है, अभी जो मैसेज आता मैसेज में जो आया वो नंबर कोई भी नहीं पूछा। जब पूछे तो उन्हें चोर बोल के समझना, समझ गया अपन क्या है। सुबह से उठ के शाम तक ये बात है, और ये पारदीवाड़ा में यहाँ के लोगों को ये साइबर क्राइम जैसा हो रहा है वैसा उसका जाल में फोन से मैसेजेस आके उन लोगों को फंसा के उनका पैसा खींच रहा है। वो समझाया उसके बाद में ये पुलिस का तरफ से ये साउथ जोन एरिया में जो जाब मेला ये महीने में कर रहा है उसके बारे में उन लोगों को इत्तला दी है। और ये महीने 20 तारीख को महिला पुलिस स्टेशन में मेला मिनी जाब मेला जो रख रहा है उसके बारे में बताया। और यहाँ ऐसो पड़े सो औरतों को और बच्चियों को वो जाब मेला का में पार्टिसिपेट होके उसका फ़ायदा उठाने के वास्ते उसमें नौकरी लेने के वास्ते कोशिश करने में करने के लिए आने के लिए भी समझाया। और वो रजिस्ट्रेशन करके वो दिन में आके 20 तारीख वुमेन पुलिस स्टेशन छेलापुरा साउथ जोन में आके नौकरी का जॉब मेला में पार्टिसिपेट करने के वास्ते भी उन लोगों को समझाया। जॉब मेल में बहुत कंपनी आएगा उसके बारे में पुलिस उन लोगों का कुछ बैकग्राउंड इंक्वायरी करे से उस लोगों को कुछ चीट करना वैसा कुछ नहीं रहते। किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं होते, वो आपका दिमाग को आपका मेहनत को आपका सब बता के उन्होंने नौकरी हासिल करना पड़ता। और क्या तनख्वाह देता है क्या ड्यूटी से पूरा यहीं बता के उसमें कुछ चीटिंग नहीं होते हैं उसका फ़ायदा उठाने के वास्ते फ़ायदा लेने के वास्ते हम उन लोगों को समझाया।